दोस्तों आज हमारे पास है फोर्ड की फिगो TDI CI ये वाली इंजन। इसमें देख पा रहे हैं, ऐसी देख पा रहे हैं आप गाड़ी किस तरीके से कंपन कर रही है। तो इसमें आज प्रॉब्लम है हमारा, जो इसका कि मिसिंग प्रॉब्लम है और गाड़ी लेट स्टार्ट है। मैं आपको दिखा दूँ, लेट स्टार्ट बोले तो बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट है। और अभी सारी लाइट तो सारी आ रही हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये अभी स्टार्ट हुई और इसमें हायर हमने पूरा फुल स्प्लिट किया हुआ है, लेकिन 2 से ज़्यादा RPM जा नहीं रहा है इसमें। और ये वाली लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। तो इसको हम अगर एडल पे छोड़ते हैं, अभी मैं एडल पे छोड़ रहा हूँ इसको। ये धीरे धीरे हमने, ये देखिए गाड़ी में, तो ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो अभी हमने इधर से इसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था, तो ये वाला वायर इधर सॉकेट से ब्रेक कर गया था। तो हमने इसको अभी डायरेक्ट किया, तो इग्निशन ऑन होकर के स्टार्ट हो गई है, लेकिन गाड़ी में मिसिंग है बहुत ज़्यादा। तो मिसिंग है तो इसको हम पहले जो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद इतना मिसिंग है कि मेरे आवाज़ में भी चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेंडर 3 और 4 का ओपन सर्किट हमें आ रहा है। ओपन सर्किट आने का रीज़न इसका अक्सर ये होता है, और भी जगह से यह गाड़ी आई है घूम के। तो इसका ओपन सर्किट का जो रीज़न है, इसका इंजेक्टर का कपलर या वायरिंग इसका में प्रॉब्लम है। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको हंटिंग, ठीक है। तो ये वाला एयर फिल्टर जो है यहाँ से निकालेंगे, निकालने के बाद यहाँ पे इसका इंजेक्टर का कपलर होता है, तो उसको हम चेक करेंगे बारी बारी इसका प्रॉब्लम किधर है। तो इसका फ्रेंड हमने इसको हटा लिया है, और इसमें जो हमारा 3 और 4 का आ रहा है कोड, ये वाला है, ये और ये 3 और 4। तो ये काफ़ी, मतलब इसमें लगता है कि किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं लगाया। जिस तरीके से ये गंदा है, इसे देख के समझ में आ रहा है कि इसको किसी ने टच भी नहीं किया है। तो इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम तो हमें दिख रहा है, एक प्रॉब्लम आपको भी शायद दिखे। ये देखिए, ये ना इसका सॉकेट, ये वाला, ये पूरी तरह से बैठा हुआ नहीं है, ये पूरी तरह से इधर सर सटना चाहिए यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ से प्रॉब्लम हो। तो पहले हम इसको ओपन करके सही से लॉक को बिठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा फॉल्ट सेम है या और भी कुछ है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये आपको ऊपर पुल करना होता है, दिखा रहा हूँ, और काफ़ी आराम से करना होता है, नहीं तो ये टूटता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लगाएंगे और पीछे एक अपना फिंगर लगाएंगे, ये इस तरीके से निकल जाता है। और इसको हम फिर से बिठा देते हैं, कम यहाँ से नहीं होगा तो इधर से बिठा के पहले हम अपना फोल्ड क्लियर करते हैं। देखिए अभी देखिए, ये पूरा बैठा हुआ है ना, इस तरीके से पूरा बैठना चाहिए। अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा बोल्ट क्लियर होता है, अभी भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट होगी हमारी व्हीकल, और यहाँ पे देख पा रहे हैं हंटिंग हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया इसमें। तो अभी हम DTC चेक करते हैं कि DTC हमारा है कि नहीं। तो ये वाली लाइट भी हमारी चली गई यहाँ से, DTC को हम पहले इसको यहाँ से बैक कर लेंगे, और बैक रीड फॉल्ट कोड, एक्टिव स्टेटस में था तो अभी ये क्लियर हो गया। मैप सेंसर का हमने वायर खोला हुआ है, इसकी वजह से ये आ रहा है। तो अभी हमने क्लियर कर दिया, रिफ्रेशिंग हो रहा है। DTC अभी एयर मास सेंसर का वायर खुला हुआ है, तो एयर मास सेंसर का कोड फिर से बैक करने पे आ सकता है। तो ये वाला हमारा कोड हो गया। तो कितना मामूली सा फॉल्ट रहने की वजह से कितना परेशानी होता है इसमें। और एक तो इसका मेरे पास जो मेजर फॉल्ट था वो इग्निशन ही ऑन नहीं हो रहा था, मैं वो भी आपको क्लियर कराता हूँ। जैसे कि अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होगा,
यहाँ पे भी डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही, ये ताली की लाइट ब्लिंक कर रही है जो कि ये फुल है, फुल देखिए। ठीक है, देखिए उसको वहाँ से जोड़ते ही देखिए यहाँ पे हमारा पावर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम पहला था जो हमने सॉल्व किया, और उसके बाद ये मिसिंग का प्रॉब्लम था। अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं बढ़िया एकदम हो गई है, और जाहिर सी बात है अगर आपका इंजेक्टर नहीं काम करेगा सही से तो स्टार्टिंग भी लेट होगी, मिसिंग भी होगी, और बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके का टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पे अधिकतर आते ही रहता है। तो हमारा वीडियो अगर आपको सबसे पहले देखना है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर दें, इससे हमारा वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।